क्रिप्टो और एनएफटी अनियंत्रित हैं और इनके साथ अत्यधिक जोखिम जुड़ा हो सकता है। संभव है कि इस प्रकार के लेनदेन से हुए किसी भी नुकसान के लिए कोई विनियामक सहायता उपलब्ध ना हो। किसी भी सूचना के लिए बिटसाइफर लैब्स LLP से support@coinswitch.co पे संपर्क करें। कुछ कुछ होता है पिक्चर, अगर क्रिप्टो एक्सचेंज की तरह होती तो क्या होता? चलिए देखते हैं और समझते हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस कैसे काम करते हैं, ऑर्डर बुक और स्लिपेज क्या होता है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल के साथ। मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका इस बिगिनर्स के लिए स्पेशली डिजाइंड क्रिप्टो ट्रेडिंग सीरीज में। क्रिप्टो एक्सचेंज एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जहां पर लोग आकर क्रिप्टो बाय और सेल कर सकते हैं। बायर्स को सेलर से कनेक्ट करके उन दोनों के ऑर्डर्स मिलाने का काम कॉइनस्विच जैसे क्रिप्टो एक्सचेंज करता है। इसके लिए एक्सचेंजेस लाइव ऑर्डर बुक का इस्तेमाल करते हैं। अब आप पूछेंगे कि ऑर्डर बुक भला कैसे होता है, तो आइए जानते हैं। मान लो कि कॉइनस्विच पर हमारी दोस्त अंजलि एक इमेजिनरी राहुल कॉइन खरीदने के लिए ऑर्डर डालना चाहती है, जिसका मार्केट प्राइस फिलहाल 100 रुपए चल रहा है। पर अंजलि इसे बस तभी खरीदना पसंद करेंगी जब इसका प्राइस गिरकर 98 रुपए आ जाए। ऐसे समय वो एक्सचेंज पर 98 रुपए के लिए लिमिट ऑर्डर लगा देगी और अंजलि जैसे दूसरे लोग भी इस क्रिप्टो को खरीदने के लिए अलग अलग प्राइसेस पर ऑर्डर्स लगा देंगे। तो कुछ ने 93 रुपए का लिमिट ऑर्डर लगा दिया, कुछ ने 99 का, तो किसी ने 90 का। टेक्निकली इसे बिड या बाइंग प्राइस कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड, टीना के पास राहुल कॉइन है और वो उसे 101 रुपए में बेचना चाहती है, तो वो सेलिंग के लिए लिमिट ऑर्डर लगा देगी 101 रुपए के लिए। टीना जैसे कई सारे लोग अपने होल्डिंग्स में से राहुल कॉइन बेचना चाहते हैं, तो वो भी एक्सचेंज पर अपने अपने सेल ऑर्डर्स 105, 110, 99, 102 जैसे अलग अलग प्राइसेस पर लगा देंगे। इसे कहते हैं आस्क या सेलिंग प्राइस। अब जब एक्सचेंजेस के पास ये सारे बाय और सेल ऑर्डर्स आ जाएंगे तो एक्सचेंज हाईएस्ट बिड या बाइंग प्राइस को मैच करेगा लोएस्ट आस्क यानी कि सेलिंग प्राइस से और मैच होने पर ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर देगा। हमारे एग्जांपल में हाईएस्ट बाइंग प्राइस 99 रुपए और लोएस्ट सेलिंग प्राइस 99 रुपए मैच हो जाएगा और वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसकी वजह से मार्केट प्राइस 99 रुपीज बन जाएगा और कोई अगर ऐसे समय सेलिंग के लिए मार्केट ऑर्डर लगाता है तो नेक्स्ट हाईएस्ट बिड प्राइस जो है 98 रुपए, इस पर उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और ऐसे अंजलि को राहुल कॉइन 98 रुपए में मिल जाएगा। इन बाय और सेल ऑर्डर्स की लिस्ट को ही ऑर्डर बुक कहते हैं और मार्केट प्राइस 99 रुपए का होने के बाद ऑर्डर एग्जीक्यूट 98 रुपए पर हुआ, इस डिफरेंस को स्लिपेज कहते हैं। उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि अगर बहुत ज्यादा लोग सिमिलर प्राइस पर ऑर्डर प्लेस करते हैं तो स्लिपेज और प्राइस में वॉलिटिलिटी कम हो जाती है। इसके ऑपोजिट, अगर बहुत कम लोग अलग अलग प्राइसेस पर ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो वॉलिटिलिटी और स्लिपेज बहुत बढ़ जाती है। तो कुछ इस प्रकार से एक एक्सचेंज में आपका ऑर्डर प्रोसेस होता है और अगर आप प्राइस की चिंता किए बिना मार्केट ऑर्डर लगा देते हैं तो आपका ऑर्डर सबसे फास्ट प्रोसेस हो जाता है, पर उससे आपको ऑर्डर के लिए करंट प्राइस से खराब प्राइस मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम हमेशा रेकमेंड करते हैं कि लिमिट ऑर्डर ऑप्शन का ही इस्तेमाल करें, मतलब आपको ऑर्डर डालते वक्त लिक्विडिटी, वॉलिटिलिटी और स्लिपेज पर ध्यान देना होगा। तो पिक्चर में अंजलि को राहुल मिले या ना मिले, क्रिप्टो में तो मिल ही गया। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस अवेलेबल हैं आपको आसान भाषा में क्रिप्टो ट्रेडिंग सिखाने के लिए, उन्हें देखना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में आप ऑर्डर के प्रकार और लिमिट ऑर्डर पर ज्यादा जानकारी पाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए कॉइनस्विच के यूट्यूब चैनल को। क्रिप्टो और NFT अनियंत्रित हैं और इनके साथ अत्यधिक जोखिम जुड़ा हो सकता है। संभव है कि इस प्रकार के लेनदेन से हुए किसी भी नुकसान के लिए कोई विनियामक सहायता उपलब्ध ना हो। किसी भी सूचना के लिए बिटसाइफर लैब्स LLP से support@coinswitch.co पे संपर्क करें।